अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपने घर में आबाद होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो फेस मास्क की। जैसे कि हम कहीं स्कूल से वापस आ रहे होते तो हमारा फेस जो है धूप लग के ब्लैक हो जाता है, तो उसकी एक टिप है, तो वह मैं आपको आज शेयर करने वाली हूँ। वो सिर्फ 3 इंग्रीडियंट से बनती है और वो 3 इंग्रीडियंट कुछ ऐसे हैं जो किचन में अवेलेबल होते ही होते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और लाइक भी करना है अगर आपको ये अच्छा लगे, और आपने ज़रूर ट्राई भी करना है और बताना ट्राई करके कि आपको कैसी लगी ये रेमेडी। तो मास्क में जो हमें चीज़ें चाहिए, सबसे पहले ये दही है, फिर ये बेसन है और ये स्ट्रॉबेरी है। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आपके पास कौन सा ही फ्रूट है आप लोग वो ले सकते हैं। तो सबसे पहले 2 टेबलस्पून दही है और 2 टेबलस्पून ही बेसन है, और फिर मैं स्ट्रॉबेरी डाल लूँ। आप लोगों ने कौन सा डालना डाल लें, इसे हमने मैश करना है। तो अभी इसका मैश हो गया स्ट्रॉबेरी का, अब हम इसे के अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, अभी इस मिक्सचर को ना आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये गर्ल्स भी लगा सकती हैं, लड़के भी लगा सकते हैं, जिन जिनका धूप से जल गया है। तो कोई भी फ्रूट आप इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। अगर कोई भी फ्रूट ना हो तो टमाटर ऐड कर लें। तो ये देखिए अच्छा सा मिक्सचर बन गया। अगर आपको गाढ़ा लगे ना तो इसके अंदर थोड़ी सी दही और डाल लें। तो अब ये ब्रश की मदद से मैं बुशा के मुँह पर लगा रही हूँ। वैसे आप हैंड से या उंगली से भी अगर आपको आसानी ना हो रही हो तो उससे भी लगा लीजिए, तो उसके भी बड़ी आसानी से लग जाता है। उसके बाद 15 मिनट इसको लगा के रखिएगा। सो गाइस, मैंने ये जो है फेस मास्क लगा लिया है और अब ये 15 मिनट तक लगाने के लिए मैं आपको धोके मिलती हूँ। सो गाइस, 15 मिनट हो गए ना, वैसे भी बोला नहीं जा रहा। तो अब हमने ना अपने मम्मी हाथों को ना गीला करना है और इसको ना यूज करने लगते हैं। अच्छे से करना है आपको, जैसे आते हैं वैसे करें। अब मैं इसको धोके मिलती हूँ। तो गाइस, जैसे आप लोग देख सकते हैं अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। तो आप लोगों ने पूरी 15 मिनट लगा के रखना है, एंड फिर थोड़ी सी क्लिनजिंग टाइप करनी है और फिर फेस धोना है। और इसे सिंपल वाटर के साथ यूज़ करना है, ये नहीं कि आप लोग साबुन भी लगा रहे हो, मतलब सोप लगा रहे हो, नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा है, मुझे तो इससे अपने स्किन से वो सॉफ्ट सॉफ्ट भी फील हो रही है और बहुत ही वाइट भी लग रही है। अब हमने ये हर रोज़ करने की कोशिश करी है ना, तो हमने हर रोज़ ही करना है। तो हर रोज़ करेंगे तो मुझे तो लगता है मेरा तो बहुत ही चमक जाएगा। तो आप लोगों ने भी ये ज़रूर ट्राई करना है, और अगर आपको भी कुछ ऐसा सॉफ्ट और वाइट फील हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज से हम 7 डेज का चैलेंज लेते हैं कि ईद तक हमने इसे लगाना है, और फिर आप लोगों ने कमेंट में बताना है कि आप लोगों का फेस वाइट हुआ कि नहीं, और मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा हुआ कि नहीं। कुछ कहना चाहती हूँ, तो जैसे कि ईद करीब आ रही है तो जो आपकी हेल्पर्स होती हैं उन्हें आप ज़रूर कुछ दें, जैसे कि आप उन्हें गिफ्ट दें। तो जैसे कि मेरी जो हेल्पर हैं वो थोड़ी छोटी हैं हमारी बहनों की तरह, तो उनके लिए हमने भी एक ईदी का गिफ्ट बनाया है। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, और वो पैक करके भी दिखाती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर दें अपने जो आपकी हेल्पर्स हैं, क्योंकि अब ईद आ रही है और उनको भी ज़रूरत है। तो हम भी इसी तरह गिफ्ट के तौर पे उन्हें दे रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले ये हमने उनके लिए जो है ना ये पीच कलर का एक सूट लिया, इसके ऊपर मैं रून काम हुआ है, ये देखिए। अब उसके बाद उनकी जो बहन है ना, तो उनका एक बच्चा है, उनके लिए हमने एक छोटा सा ड्रेस लिया, बहुत ही प्यारा है। उसके बाद हमने ईद के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेहंदी ली है। उसके बाद हमने ये जो है वो इयररिंग्स लिए हैं, बहुत ही प्यारे हैं, हमने सूट के मैच के हिसाब से लिए हैं। और साथ ही बैंगल्स हैं, बहुत ही प्यारे हैं, छन छन करने वाली हैं, बहुत ही प्यारी लगी हैं। उसके साथ हमने ये 2 कलर्स के जो हैं वो ये ली हुई हैं बैंगल्स, और ये बहुत ही प्यारी लग रही हैं, हमने पिंक और ऑरेंज लिए हैं। तो ये पूरा सामान है, ठीक है। अब हम इसे एक बॉक्स में रखते हैं, तो हम इसे बंद कर देते हैं। ये पूरा बंद हो चुका है, तो अब ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब हम ये उन्हें देंगे, और इससे आपको भी बहुत नेकी मिलेगी, तो आप लोगों ने भी ज़रूर उन्हें गिफ्ट में देना है ये। सो गाइस, अब मैं आपको अपनी इफ्तारी की तैयारी दिखाती हूँ। सो गाइस, अभी मुझे मामा ने कहा कि मुझे खरबूजा कट कर दो, तो वो कट कर दिया। इसको वैसे आसान होता है काटना बहुत, पर बस जब बड़ा सा होता है ना, मुझे तो ये फ्रिज में वहीं पड़े थे, तो मैं जल्दी जल्दी ना इनको
से देखिए यूँ पड़े हुए थे, तो मैं अभी ना स्केयर स्केयर में काट रही हूँ। आधे मैंने काट भी लिया, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये देखिए मैंने आधे तो काट ही लिए, अभी ये भी काट लिया। देखिए मैंने कट करती हैं पूरे। अच्छा जी, आज इफ्तारी में हम बना रहे हैं पिनव्हील्स, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो इसकी फुल रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स देख लीजिए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इसमें मैंने 3 कप मैदा लिया था, घी नमक और ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से गूंध लिया था, उसकी ये डो बन गई थी। देखिए बाकी ये आलू से बनते हैं और बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होते हैं। तो आपकी डो हमने गूंध के रख दी थी 1 घंटा पहले, इतनी देर में आलू उबाल लिए, प्याज को ऑमलेट कट कर लिया और हरी मिर्चें काट ली थी और ये स्पाइसेस थे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपकी ऐसे ही बन जाएंगे बिल्कुल आसानी के साथ। तो आलू 3 या 4 भी ले लेना तो इससे तकरीबन 50 के करीब पिनव्हील्स बन जाते हैं, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आलू को हमने सख्त सख्त रखा था, दरअसल ये मसाला बन गया। इसकी फुल रेसिपी मैं आपको अलग से दिखाऊंगी। तो देखिए इसकी थोड़ा सा ना एक मैंने लिक्विड तैयार किया था, क्योंकि अक्सर लोगों के ना पिनव्हील फट जाते हैं, जैसे ही वो ऑयल के अंदर डालते हैं तो फट जाते हैं। तो मैंने उसकी एक ट्रिक यूज़ की थी कि उसके लिए बहुत ही उसे लॉक करने के लिए ना ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर मैंने इतनी देर में रेडी कर लिया था। मैदा इसके अंदर मैंने डाला, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़े से पानी से मतलब पतला सा ऐसा बैटर बनाया कि ये देखिए इससे हमारे पिनव्हील बिल्कुल लॉक हो जाएंगे और क्रिस्पी भी होंगे। उसके बाद ये लेके ना मैंने जो बनाया था इतनी देर में, मैंने क्या किया कि जल्दी जल्दी ना उसके पेड़े बना लिए। ये देखें तो ना पेड़े बनाने के बाद ये है कि जितनी भी डो है ना उसमें से रेगुलर रोटी जितनी आप पेड़ा बना लें, और पेड़ा बनाने के बाद ना उसको बिल्कुल गोल और पतला बेल लें, और उसके अंदर फिर जो मिक्सचर है ना, अगर आपको हाथ से इजी लगता है तो हाथ से लगा लें, अगर स्पून से इजी लगता है तो अच्छा। आपने ना मिक्सचर बहुत पतला पतला लगाना है, पतला पतला करके उसके बाद मैंने इसे रोल कर दिया। रोल का तरीका भी मैं आपको फुल रेसिपी में दिखाऊंगी, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स आ रही हैं तो उसको आप चेक कीजिए और फुल रेसिपी आप चैनल पर जाके देखिएगा। ये देखिए इतने ढेर सारे बन के रेडी हो गए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बने और टेस्ट इनका इतना ज़बरदस्त और शानदार था ना, यकीन कीजिए कि आप ईद के लिए भी इन्हें बना के रख सकते हैं। तो जैसे ही कोई मेहमान आए जल्दी से फ्राई कर दीजिए, मैंने उसे मैं डीप करके इसको मैंने ये देखिए फ्राई किया और बिल्कुल भी फटे नहीं और क्रिस्पी इतने शानदार थे ना, आप यकीन कीजिए कि इफ्तार के टाइम तक बिल्कुल ये वैसे ही रहे थे जैसे क्रिस्पी थे। ये पकौड़ों का मिक्सचर तैयार किया था और साथ में हमने चाट बना ली थी और टैंग रखा था, क्योंकि पिनव्हील्स बहुत हैवी हो जाने थे तो इसलिए हमने थोड़ी सी चीज़ें ही साथ बनाई थी। इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो अब मैं दुआ कर रही हूँ। तो गाइस इफ्तारी जो है वो रेडी हो गई है, मैं आपको लोगों को दिखा देती हूँ। तो गाइस मैं टैंग में आइस डालने लगी हूँ, मैंने डाल दिया बिल्कुल ठंडा हो। तो इफ्तारी में सबसे पहले मिक्स पकौड़े हैं, फिर स्पिन व्हील है और फिर ये स्ट्रॉबेरीज हैं और गंडेरियाँ हैं और फ्रूट चाट है और ये टैंग है और ये पूरी इफ्तारी है। सारी चीज़ें बहुत ही मज़े की थी। बहुत ही मज़े का, अंदर से इतना सॉफ्ट है और बाहर से इतना क्रंची है कि मज़ा ही आ। तो अब इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, और हाँ तो अब इसके बाद से मेरी जो मतलब रेसिपीज़ हैं इस स्पेशल्स आएंगी हर रोज़, तो आपने वीडियोस के साथ जुड़े रहना और पूरी वीडियोस देखनी है क्योंकि अब आने वाली हैं हर रोज़ ईद स्पेशल रेसिपीज़। तो मिलते हैं आपको अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।